Hello students, right from my childhood, we have been hearing one thing, to prepare for your exams well. Prepare it thoroughly, work hard, practice different papers so that your skills can sharpen. So I do agree, English is not less than mathematics. Maths mein jitne skills improve karne ke liye jitni practice ki zarurat hoti hai, same is the case with English also. But before you start preparing for your exams, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से जान लें. सो दिस वीडियो इज अबाउट नोइंग योर सिलेबस वेल फॉर CBSE 12th क्लास इंग्लिश. सो सेक्शन ए इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग विच इज फॉर 30 मार्क्स. तो ये 30 मार्क्स ऐसे मार्क्स हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर करके ना इतने शार्प हो सकते हो कि 30 मार्क्स में से 30 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. अब इसमें क्या होगा, आपको दो अनसीन पैसेज दिए जाएंगे विद वैरायटी ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें MCQs भी आ सकते हैं टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड इन्फ्रेंस. तो अगर आप अलग अलग पैसेजेस, जैसे आप मेरी बाकी की जो वीडियोस देखोगे उसमें अलग अलग पैसेजेस के डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि कितने तरह के पैसेजेस होते हैं, अगर आप उनकी थरली प्रैक्टिस करोगे, रोज आप एक अनसीन पैसेज उठा दो और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो साल में आप सोचो कि कितने पैसेजेस आप प्रैक्टिस कर लोगे. तो ये आपके जो मार्क्स होते हैं दे आर वेरी इजी मार्क्स. आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो इतना अच्छा हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी इतनी बिल्ड हो जाएगी एंड दिस पार्ट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. देन इज वोकैबुलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इन्फ्रेंस ऑफ मीनिंग विल आल्सो बी टेस्टेड. तो वोकैबुलरी और उसका आप उसको क्या मीनिंग देते हो उसका भी टेस्ट होगा. तो सेम इसका भी वही टिप है दैट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो आप सोचो कि आप ईयर के बिगनिंग में ही आप रोज एक दो पैसेजेस की प्रैक्टिस कर लो, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे. तो आप देखोगे कि 15-20 पैसेजेस को प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सेक्शन ए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा. So now, the passages can be literary, factual and discursive to test comprehension. तो इसकी literary passage क्या होता है, factual क्या होता है, discursive क्या होता है, इसकी video एक अलग है जो आप at length उसको देख सकते हो. So the length of one passage should be between 600 to 700 words. The total length of two passages will be between, so obviously 1100 to 1200 words. तो आप जब रोज इतने words की practice करोगे तो आपके स्किल्स धीरे 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 बहुत शार्प हो जाएंगे. अ थर्ड पैसेज ऑफ 400 टू 500 वर्ड्स फॉर नोट मेकिंग एंड इंस्ट्रक्शन. सो जो थर्ड पैसेज होगा वो आपका नोट मेकिंग का होगा. नोट मेकिंग की वीडियो एक सेपरेट है जो आप देख सकते हो. और ये 400 टू 500 वर्ड्स का होगा, तो नोट मेकिंग के जो प्रैक्टिस है वो आप रोज कीजिए, बिकॉज to score in note making is very very easy, but again you need to work hard, you need to put your regular efforts into it. Now let's come to section B, which is writing section, which is again for 30 marks. Yes, I must admit that writing section is not very easy to score. I mean, I'm not discouraging you, but I said it is not very easy to score. Why I said, because for this also you need regular practice. You need to enhance your knowledge, you need to read newspapers, you need to read different magazines also. I mean, इसमें करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स आते हैं. इसमें हर एरिया को, हर लाइफ के हर फील्ड को लेके कुछ भी पूछा जा सकता है. सो राइटिंग सेक्शन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड. नाउ दिस इज अगेन फॉर 30 मार्क्स विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अटेन. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एडवर्टीजमेंट्स एंड नोटिसेस,
designing or drafting posters, writing formal and informal invitations and replies. तो इसके सारे videos अलग आप इसको देख सकते हो, जो detail में आपको सब कुछ समझाया गया है, each and everything is explained and practice exercises are also given. So you know, in advertisements and notices, the marks are very easy to get because you just need to know certain writing pattern and rules of how to write an advertisement and notice. Now second question is long answer questions. अब इसमें क्या है, letters based on verbal visual input, letters type include अलग अलग तरह के letters हैं, जिसमें है business और official letters, उसमें for making inquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies, letter to the editor, giving suggestions or opinion on issues of public interest and application for the job. तो letter writing का भी एक अलग video है जिसको आप detail में देख सकते हो, एक एक letter करके मैंने उसमें explain करी है. Now third question, which is a very long answer questions. Two compositions based on visual and or verbal input may be descriptive or argumentative in nature, such as an article, a debate, a speech or a report. तो ये third question जो है वो detail में आपको लिखना होगा, वो एक article की form में भी वो लोग पूछ सकते हैं. It could be a debate also, for and against. It could be a speech also and a report. जिसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, but yes, एक सिग्निफिकेंट फर्क है जो कि आपको जानना जरूरी है, उसको मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन सी, व्हिच इज लिटरेचर, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड लॉन्ग रीडिंग टेक्स्ट, जिसमें आपके दो नॉवेल्स आते हैं. इसमें कितने मार्क्स है, ये 40 मार्क्स का है, जिससे आप अगर थॉरली अपने सिलेबस को प्रिपेयर करें, उसको अच्छे से जानें, सारी स्टोरीज को समझ लें, उनके राइटर्स को समझ लें, तो अकॉर्डिंग टू मी 40 में से आपके 35 मार्क्स तो आराम से आ सकते हैं. सो आपकी दो बुक्स हैं फ्लेमिंगो एंड मिस्ट्रेस, इसके कॉमन मैं बता देती हूँ कि आपको किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं. पहले आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड होते हैं. जो आपके बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दे आर बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री. ये क्या होते हैं, टू टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिसिएशन, राइट. उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Now these are based on prose, drama, poetry and both the text. Then long answer questions, which are based on text to test global comprehension and extrapolation beyond the text to bring out the key messages and values. इसमें भी आपकी knowledge test होनी होती है. So then these long answer questions, ये किस पे based होती है, to test global comprehension along with analysis and extrapolation. Then there is another set of long answer questions which are based on theme, plot and incidents from the prescribed novels. So मैं आगे आपको बता रही हूँ कि कौन से novels हैं. There is another set of long answer questions which are based on understanding, appreciation, analysis and interpretation of the character sketch. कि आप उसमें से अलग अलग characters को किस तरह से interpret करते हैं. अब इसमें प्रिस्क्राइब्ड बुक्स आपकी दो हैं, फ्लेमिंगो है, देन इज विस्टास, एंड लेट मी टेल यू दैट पिछले कुछ सालों से फ्लेमिंगो के कुछ जो चैप्टर्स हैं वो डिलीट हो गए हैं, जैसे पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, द रोड साइड विच इज अ पोएम, देन विस्टास के द थर्ड लेवल एंड द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. Now there are two novels, The Invisible Man by H.G. Wells and Celia's Murder by George Eliot. इसमें से आपको एक अगर आप करके जाएंगे थरली तो और उसके आप फोकस कीजिए कैरेक्टर स्केचेस पे, उसके कैरेक्टर्स को अच्छे से जान लीजिए, एंड इफ यू प्रिपेयर इट थरली आई मस्ट से दैट यू विल गेट ग्रेट मार्क्स, यू विल गेट द डिजायर्ड मार्क्स. Thank you so much and have a great time.
Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.